हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? नई रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, नई जगह से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल साइंस से आई वैकेंसी की डिटेल आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस वैकेंसी में सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो फ्रेंड चलो देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में। काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। फर्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। यहाँ में आपके पास MD होना चाहिए और यहाँ पे सैलरी आपको 1,42,406 पर मंथ मिलने वाली है और अपर एज 50 ईयर की है। फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं, सीनियर रेसिडेंट की है। यहाँ पे भी आपके पास MD DNB सेक्रेटरी में होना चाहिए। उसके बाद 81,240 पर मंथ आपको सैलरी मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। फ्रेंड तो यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए इस वैकेंसी का अप्लाई करने के लिए। हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में और क्लिनिकल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी एंड मास्टर ऑफ साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी। मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रेंड साइकोलॉजी में। और यहाँ क्या बताएं, सैलरी की बात करें तो 56,000 पर मंथ इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है। एज की बात करें तो फ्रेंड आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 1 है। आप कोई भी कैटेगरी के हो, आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी सोशल वर्कर की है और यहाँ पे आपके साथ 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सैलरी आपको 24,800 पर मंथ की मिलेंगी। एज 18 to 35 ईयर के बिटवीन होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। यहाँ आपके पास 12 स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट और सैलरी आपको यहाँ पे 24,800 पर मंथ की मिलेंगी। इस वैकेंसी का ड्यूरेशन 11 मंथ के लिए रहने वाला है। इंटरव्यू जाते समय फ्रेंड आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, प्रूफ ऑफ डेट बर्थ, डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो, PhD डिग्री अगर आपके पास होंगी तो, ये सब आपको लेके जाना है। PhD डिग्री सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट विन विच कैंडिडेट हैड रजिस्टर्ड एट द इंस्टीट्यूट एंड टाइटल ऑफ द थीसिस। अगर आपने किया है, PhD में रजिस्टर किया है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ लेके जाने हैं। इस वैकेंसी को अप्लाई करने की लास्ट डेट तो क्या बताया था, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन विल बी विद इन 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइज। फ्रेंड ये एडवर्टाइजमेंट 15 सितंबर को रिलीज हुई है वेबसाइट पे, तो वहाँ से 30 दिन तो 50 अक्टूबर के आसपास आपको ये अप्लाई करना है इस वैकेंसी को। और जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको इंटरव्यू कब होगा, ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से बताया जाएगा। अभी बात करते हैं इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। उसके साथ आपके पास जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसका आपको सेट बनाना है, एप्लीकेशन फॉर्म का सेट बनाना है। और यहाँ पे एड्रेस दिया है द नोडल ऑफिसर DDAP डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डुडुमुआ पत्रपाड़ा भुवनेश्वर। तो ये वैकेंसी कहाँ से आई है, भुवनेश्वर से आई है फ्रेंड। तो यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है, स्पीड पोस्ट सेंड करना है। द एनवेलप कंटेंट एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्रिप्टेड एप्लीकेशन फॉर द आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो वहाँ पे आपको मेंशन करना है। और ये कब तक सेंड करना कर देना है, विद इन 30 डेज आपको सेंड कर देना है। उसके साथ फ्रेंड यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है, इस ईमेल आईडी पे भी आपको PDF के माध्यम से स्कैन करके आपके जो भी डॉक्यूमेंट है सब यहाँ पे सेंड कर देना है। ये वैकेंसी है एम्स भुवनेश्वर से आई हुई वैकेंसी है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस PDF की लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बस फ्रेंड इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।